में छोड़ दी है। हमें हम सबको मिलके इस सब इस चीज को बदलना होगा। हमें ये तय करना होगा आज के इस दिन पे कि हमारे यहाँ का बंदौर का एक भी बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे, हमारे यहाँ का एक भी जवान कॉलेज की शिक्षा के बगैर ना रहे, हमारे यहाँ का यहाँ की बच्चियां स्कूलों और कॉलेजों के बाहर ना रहे। इसी के साथ साथ यहाँ आके लोगों से स्कूलों में दूर दूर गांव में जाके ये भी पता चला कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाल विवाह का भी प्रचलन काफी ज्यादा है। हमारी काफी सारी छोटी छोटी बच्चियों को कम उम्र में शादी की जाती है, जो कि सही नहीं है, न कानून के हिसाब से सही है, न सामाजिक दृष्टि से सही है, न हमारे देश के हिसाब से सही है। तो इस चीज के लिए मैं भी आप सब से मैं आज हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज हम सब ये तय करके ये शपथ लेके यहाँ से जाए कि हम यहाँ में किसी भी बच्ची का बाल विवाह ना करें, किसी भी बच्चे का बाल विवाह ना करें। सभी हमारे यहाँ जितने भी बच्चियां हैं, चाहे दूर गांव में है चाहे यहाँ कस्बे में है, सभी बच्चियों को हम शिक्षा की पूरी शिक्षा उनके लिए पूरी शिक्षा का प्रावधान करें, उनको स्कूल में जाने दें, उनकी पढ़ाई पूरी करने दें और भविष्य में आके यहाँ कोई बाहर से नहीं, इन्हीं बच्चों में से इन्हीं बच्चियों में से कोई एक खड़ा होके यहाँ पे आप बच्चों को उद्बोधन करे, यहाँ पे SDM के रूप में आए, यहाँ पे SHO के रूप में आए, हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बन के दिखाए। यही बच्चियां कल को हमारे यहाँ बड़े बड़े पायलट, बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन के दिखाए। तो आज मैं इसी के साथ अपने वाणी का विराम लेता हूँ, बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इन सब चीजों में जैसा अभी तक भी आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, आगे भी यहाँ की शिक्षा, यहाँ के बच्चों का विकास, यहाँ की महिलाओं का सम्मान, यहाँ की बच्चों की तालीम, यहाँ के बच्चों लोगों जवानों के रोजगार, इस सब में भी आप सब हमारा सहयोग दें और ये शपथ लें कि जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर है वही सब काम हम लोग साथ मिलकर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से पुनः आप सबको इस गणतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबका धन्यवाद।